नमस्कार नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। उपेंद्र कुशवाहा का आमरण का अनशन का तीसरा दिन है। अपनी तस्वीरें देखिए कि पटना के मिलर ग्राउंड पे लगातार तीन दिन से उपेंद्र कुशवाहा ने अन्न का एक दाना तक नहीं लिया है। फिलहाल वो सोए हुए हैं। उनकी जो तबीयत है वो नासाज बनी हुई है। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उनके साथ साथ उनके कार्यकर्ता पार्टी के रालोसपा के वो भी जमे हुए हैं हमारे साथ बात करने के लिए। रालोसपा के प्रवक्ता माधव आनंद जी, कैसी तबीयत है उपेंद्र कुशवाहा की? कुशवाहा जी की तबीयत तो ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जो है उनका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, शरीर में दर्द है, माथे में भी चक्कर की जो है समस्या है, तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। लेकिन अनशन पे डटे हुए हैं कि जब तक हम लोग की मांग न मान ली जाए तब तक जो है सो अनशन पे जो है वो रहना चाहते हैं, आमरण अनशन पे रहना चाहते हैं। कम हुआ है निश्चित रूप से वजन जो है पिछले तीन दिनों में जैसे 4 से 5 kg वजन कम हो गया है, वो भी चिंता का विषय है। और देख ही रहे हैं लगातार जो उनकी स्थिति है, काफ़ी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, वीकनेस है, सही से बोल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो स्थिति तो बहुत नाजुक है। और अभी तक जो है प्रदेश की सरकार के तरफ से कोई चिकित्सा की सुविधा भी प्रोवाइड नहीं की गई है, एक भी डॉक्टर अभी तक नहीं आया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं सरकार की जैसे नियति कैसी है। कब तक अनशन जारी रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है? अनशन जो है जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों की मांगे पूरी ना हो जाए। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, दोनों केंद्रीय विद्यालयों के लिए लैंड नहीं देंगे, तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा, चाहे हम लोगों को इसके लिए कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। कल तो शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया था उपेंद्र कुशवाहा आकर हमसे मिले तब विचार किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, आप उनसे पूछिएगा, उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं? पहले भी मिले थे जब केंद्र में मंत्री थे, प्रोटोकॉल में जब उनसे बड़े होते हैं उस टाइम में भी शिक्षा मंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। अभी भी आमरण अनशन पर बैठने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखने का काम किया है। तो उन जो कह रहे हैं वो सब झूठ बात बोल रहे हैं। पहले मिल चुके हैं, उनको सारा कहानी पता है कि जमीन भी एलोकेट हो चुका है, सिर्फ NOC देना है, सिर्फ उनको बहानेबाजी करनी है, अरंगा लड़ाना है, पॉलिटिकल बयान इनको कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में लगातार जो उपेंद्र कुशवाहा का आमरण अनशन है वो जारी है, और उनके साथ साथ उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी अभी तक डटे हुए हैं। महिला कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा कार्यकर्ता हों या बुजुर्ग कार्यकर्ता हों, उपेंद्र कुशवाहा के आमरण अनशन में सपोर्ट देने के लिए उनके साथ फिलहाल अभी बैठे हुए हैं। वहीं बात करें तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है कि उनके अनशन को तोड़वाने को लेकर। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा अभी सो रहे हैं, तबियत बेहद नासाज हो गई, वजन भी बीपी भी हाई हो गया है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।